हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखे के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर मास्टर कोर्स के अंदर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 29 के बारे में। और पार्ट नंबर 29 में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू इंस्टॉल फॉन्ट इन अवर सिस्टम। हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो फॉन्ट्स होते हैं उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट आप दो तीन तरीकों से इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। कैसे? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अपने कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने से पहले आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट से, यानी कि गूगल क्रोम से, या फिर आप पेन ड्राइव लगा करके, सीडी डीवीडी लगा करके अपने कंप्यूटर में फॉन्ट्स को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद ही आप उसको इंस्टॉल कर पाओगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो मैंने डाउनलोड करके पहले से रखे हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट हैं, ये देखिए डेस्कटॉप पर। तो मैं इसका व्यू थोड़ा चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मैं टाइल्स कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट पड़े हुए हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिनको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। तो अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहें तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, अगर आप यही वाले फॉन्ट हमसे लेना चाहें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मैं फॉन्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इन सारे फॉन्ट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको उस लोकेशन को ओपन करना है जहाँ पर आपके फॉन्ट पड़े हुए हैं, जहाँ पर आपने उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर इतने सारे फॉन्ट पड़े हुए हैं, अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जिस भी फॉन्ट को डाउनलोड करना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें, उसको आप सिंपल सा क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। तो फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप राइट बटन दबाओगे माउस के अंदर, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिया जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू देखने को मिल जाता है कि ये फॉन्ट किस तरीके से दिखाई देगा जब आप टाइपिंग करोगे। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है प्रिंट के पास में, देखेंगे एक ऑप्शन है इंस्टॉल, तो आपको सिंपल सा इस पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे क्या होगा, यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज देखने को मिल रहा है, ये मेरे सिस्टम में मिलेगा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बता रहा है कि जो फॉन्ट आप इंस्टॉल करना चाहते हो अपने कंप्यूटर के अंदर वो पहले से इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ऑलराइट, तो ये पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर के अंदर, इसीलिए हमको ये एरर मैसेज दे रहा है। तो बोल रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस इट, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, मैं यस कर देता हूँ। तो जैसे मैं यस करूंगा, यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक ही फॉन्ट था इसीलिए आपको डाउनलोडिंग दिखाई नहीं दी, इंस्टॉलिंग दिखाई नहीं दी, लेकिन जो हमारा ये बटन है हाईलाइट हो रहा था, ये हाईलाइट होना बंद हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो फॉन्ट है ये हमारा कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। लेडीज, अब इसके बाद में करना क्या है, तो मैंने आपको एक फॉन्ट को इंस्टॉल करना बताया। अगर आप इन सारे सारे फॉन्ट्स को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, सिलेक्ट ऑल कर लेना है, आपको कंट्रोल और ए बटन दबाना है, सारे को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप राइट बटन दबाओगे, तो राइट बटन दबाने पर यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल का, आपको सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है। तो मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमको फिर से एक मैसेज देखने को मिल रहा है, यह मैसेज बोल रहा है कि जो आप फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो अपने कंप्यूटर में, वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो। तो ये सारे के सारे फॉन्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारे हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल हैं, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसको यस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये वाला मैसेज आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा क्योंकि आपने पहले से इंस्टॉल नहीं कर रखा है, लेकिन मैंने कर रखा है तो मेरे में आ रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद यस कर देता हूँ। तो जैसे मैं यस करूँगा, यहाँ पर आप देखोगे कि आपके कंप्यूटर में जो फॉन्ट हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे फॉन्ट्स को एक साथ में ही इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलराइट, तो एक तो प्रोसेस ये हो गया हमारे कंप्यूटर में फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल हो जाने देता हूँ, तो आप इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिएगा। ऑलराइट, फिलहाल के लिए मेरे में सारे के सारे पहले से इंस्टॉल है, मैं चाहूँ तो इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, क्लोज भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मैं इसको हो जाने देता हूँ। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे फॉन्ट है वो लगभग इंस्टॉल हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको दो तरीका बताया, एक तो अगर आप सिंगल फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहें तो आप प्रीव्यू पर जा करके आप इसको सिंपल सा यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप सारे सारे फॉन्ट्स को एक बार में सिलेक्ट कीजिए और उसको डायरेक्टली ही इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद में दोस्तों तीसरा तरीका ये होता है, आप इसको कट कर दीजिए, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो मैं सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल से आपको यहाँ पर एक सर्च इंजन मिल जाता है, यहाँ पर आपको टाइप करना है फॉन्ट्स। ऑलराइट, तो जैसे आप फॉन्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग मिल जाएंगी। आपको पहली सेटिंग जो दी गई है फॉन्ट सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिलता है ड्रैग एंड ड्रॉप टू इंस्टॉल, यानी कि अगर आप अपने फ़ोन्स को इंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपल सा ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए, यानी कि जहाँ पर पड़े हैं वहाँ से उसको ड्रैग कर लीजिए, खींच लीजिए और यहाँ पर ला करके छोड़ दीजिए, आपके फ़ोन जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आप इसको छोटा कर लीजिए, सिंपल सी बात है, इसको छोटा कर लीजिए और छोटा करने के बाद आप इस वाले फाइल को ओपन कर लीजिए जहाँ पर आपके फ़ोन पड़े हैं, और जैसे आप इसे सब करोगे ना, आपको इन सभी को कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट करके आप इसको कॉपी कर लीजिए, या चाहें तो आप इसको भी थोड़ा छोटा कर लीजिए, आप इन सारे को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये सारे सिलेक्ट हैं, आपको इसको पकड़ करके खींचना है, यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर ला करके आपको इसको छोड़ देना है ना है, तो आपके जो फॉन्ट है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर एक तरीका और होता है, वो क्या तरीका होता है, तो अगर आप तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपल सा ब्राउजर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके फॉन्ट ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो फाइल ओपन हुआ है, यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, जहाँ पर अपने फॉन्ट्स को आपने डाउनलोड करके रखा है, तो जैसे आपने जहाँ पर भी किया हो आप वहाँ पर जा सकते हैं। फिलहाल मैंने डेस्कटॉप पर किया था, मेरा एक फोल्डर पड़ा है ये भारतीय हिंदी फॉन्ट नाम से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सारे सारे फॉन्ट आ जाएंगे, यहाँ से आप सारे सारे देख सकते हो। अब करना क्या है, आपको चूज करने के लिए बोल रहा है, तो आप सारे सारे सिलेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ से कंट्रोल ए दबाऊंगा, ये सारे हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे चूज पर क्लिक करूंगा जो हमारे फॉन्ट हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एरर मैसेज जरूर आएगा क्योंकि इन फॉन्ट को मैंने डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके यस कर देता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो जैसे मैं इतना करूंगा ना, यहाँ पर हमारे जो फॉन्ट हैं वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे ये लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए लोडिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ये हमारी यहाँ तक आएगी, जैसे यहाँ पर आएगी ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और जो हमारे फॉन्ट हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। ऑलराइट, तो एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से भी अपने कंप्यूटर में फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आप इन सारे फॉन्ट्स को देखना चाहें तो आपको नीचे आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए प्रीव्यू में आपको सारे फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने पर क्या होगा, हमारे जो प्रोसेसिंग चल रहा था वो कट हो जाएगा। फिलहाल मैंने ये फॉन्ट सारे इंस्टॉल कर रखे हैं, तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। तो मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ, एमएस वर्ड ओपन करने के बाद इसको मैं फुल पेज कर लेता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे फॉन्ट के अंदर आएंगे, तो फॉन्ट के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपने जितने भी फॉन्ट डाउनलोड करे हैं वो सारे सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे सारे हमारे हिंदी फॉन्ट थे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग करने के लिए या हिंदी में टेक्स्ट को लिखने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल के लिए आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको लाइव दिखा भी दिया, ये देखिए सारे सारे हमारे हिंदी के फॉन्ट आ रहे हैं, तो इनको आप टाइपिंग करते टाइम यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो फिलहाल दोस्तों कंप्यूटर मास्टर कोर्स के अंदर पार्ट नंबर 29 में आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीखना चाहते हो तो ऐसे में आप कंप्यूटर मास्टर कोर्स को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे पूरे 100 वीडियोस कराए हैं, जिनके अंदर मैंने आपको 100 टॉपिक्स पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बेसिक से एडवांस तक की सारी सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीखना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।